हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग एक बहुत ही छोटे कण के बारे में स्टडी करने वाले हैं दोस्तों, जिस कण से ये संसार बना है और उस कण का नाम है परमाणु। तो दोस्तों, आज हम लोग जो सीखने वाले हैं परमाणु के बारे में सीखने वाले हैं। परमाणु किससे बनी होती है, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया करता है या नहीं करता है, इन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो चलिए हम लोग अब करते हैं परमाणु के बारे में डिस्कस। तो क्या है दोस्तों, अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं परमाणु। इधर से करते शुरू, यहां से परमाणु, मजा आएगा, देखते रहना। एटम, क्या पढ़ रहे हैं हम, एटम। तो एटम जो होता है ना दोस्तों, ये किसी भी तत्व या पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने परमाणु के हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था कि परमाणु कैसे खोज हुआ था, परमाणु के बारे में चर्चा कैसे हुई थी। आज हम लोग परमाणु को ही स्टडी करने वाले हैं और परमाणु के बारे में आज हम लोग सारा प्रॉब्लम को दूर करेंगे, जितना सारा हम लोग सोच रहे गलतफहमी हम लोगों को परमाणु के बारे में, उन सब गलतफहमियों को हम लोग दूर करने वाले हैं। तो चलिए, परमाणु जो होता है ना दोस्तों, परमाणु सबसे पहले खोज तो इससे पहले हो चुका था, लेकिन परमाणु का खोज का श्रेय किसको जाता है, जॉन डाल्टन को। किसको जाता है, जॉन डाल्टन को। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि जॉन डाल्टन, जॉन डाल्ट जॉन डाल्टन ने परमाणु का खोज किया है। किसका, परमाणु का खोज करता है, खोज करता है, ठीक है। खोज करता की बारे में अगर बात करेंगे तो डाल्टन ने ही परमाणु का खोज किया है, ठीक है, इसी को श्रेय जाता है। अब बात है कि परमाणु जो होता है, परमाणु कितना बड़ा होता है। तो दोस्तों, परमाणु कितना बड़ा होता है इसका अनुमान हम लोग नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी त्रिज्याएं जो होती है नैनोमीटर में होती है। तो दोस्तों, परमाणु जो होता है, सबसे पहली बात, परमाणु जो होता है, परमाणु का स्ट्रक्चर आइए समझते हैं, वो अभी बाद में करेंगे, पहले ये समझ लीजिए। परमाणु जो होता है, परमाणु किसी भी तत्व या किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है। क्या होता है, सूक्ष्मतम कण होता है, होता है। अगर मान लीजिए हम यहां पे लिख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं इस चौक से जो लिख रहे भैया, इस चौक का एक कण हम निकालेंगे यदि, तो क्या वो दिखाई देगा हम, तो वही एक कण आपका क्या है, परमाणु है। दूसरी बात दोस्तों, परमाणु जो होता है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। बोल सर कैसे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, तो आइए अभी इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो परमाणु, परमाणु रासायनिक, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। क्या करता है दोस्तों, भाग लेता है। बोल कैसे सर, कैसे हम लोग समझेंगे कि परमाणु जो होता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। आप देखिए दोस्तों, यहां पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का यहां दो परमाणु है, हाइड्रोजन का कितना परमाणु है, दो परमाणु। दूसरा हम लोग ले रहे हैं क्लोरीन, तो क्लोरीन का भी यहां कितना परमाणु है, दो परमाणु। ये एक दूसरे से जब मिलेगा तो HCl बनाएगा। तो ये क्या कर रहा है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है। कहां पे, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया में भाग ले रहा है, भाग ले रहा है। कैसे बोल पता चलेगा सर, आप ये रासायनिक अभिक्रिया ही है। आप देखिए दोस्तों, ये रासायनिक अभिक्रिया हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहां पे हम हाइड्रोजन जो देख रहे हैं, ये मेरा एक गैस है, ठीक है, गैस है जिसको जीवन का ईंधन भी हम लोग कहते हैं, जीवन का
ईंधन, किसको? हाइड्रोजन गैस को। दूसरा हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये क्लोरीन जो है, क्या है? क्लोरीन, क्लोरीन भी एक गैस ही है। चलो बहुत बढ़िया बात है, क्लोरीन भी एक गैस ही है, लेकिन ये क्लोरीन गैस का काम क्या है? जल को स्वच्छ करना, जल को स्वच्छ करना, ठीक है ना, जल को स्वच्छ करना। अब ये दोनों तो क्या है, अलग अलग चीज है, लेकिन आपको यहां जो मिल रहा है दोस्तों, वो क्या मिल रहा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल रहा है। इधर था गैस, अभी मिल रहा अम्ल, और ये क्या करता है, हमारे शरीर में जो आमाशय होती है, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl जीवाणुओं को, बैक्टीरिया को, किसको? जीवाणु को या बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया को क्या करता है? नष्ट करता है, को नष्ट करता है। देखिए तीनों अलग अलग चीज है, और ये तीनों अलग अलग चीज है। पहले यहां पे हाइड्रोजन गैस था, दूसरा क्लोरीन था, ये दोनों मिला तो नया चीज भी बना, और जब नया चीज बन जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। दोस्तों तो क्या हो रहा है, परमाणु आपका क्या कर रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है। तीसरी बात दोस्तों, तीसरी बात अच्छा से याद रखिए, आज परमाणु के बारे में जितना भी आप सोचते हैं, क्या जो भी प्रॉब्लम है, वो सारा हम लोग आज क्लियर करेंगे। आज के बाद कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि हम परमाणु के बारे में नहीं जानते, आज परमाणु को क्लियर करेंगे, परमाणु को आज कंप्लीटली समझ के छोड़ेंगे। तो परमाणु जो होता है दोस्तों, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। बोल कैसे सर हम जानेंगे कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता? जैसे देखिए दोस्तों, अगर आप बोलेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐसे नहीं रहता है। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन एक परमाणु है, तो हाइड्रोजन को खाली हम लोग H नहीं रखते, इसमें हम लोग 2 लगा देते हैं ताकि ये अकेले नहीं। और याद रखना, हाइड्रो कभी भी परमाणु अकेले उपस्थित नहीं करता है, या तो वो किसी पदार्थ के रूप में होता है, यानी भिन्न भिन्न रूपों में होता है पदार्थ। बहुत सारे परमाणु मिलेंगे, मॉलिक्यूल्स यानी अणु बनेंगे, अणु मिलेंगे यौगिक बनेंगे, यौगिक मिलेंगे पदार्थ बनेंगे, इस तरह से। तो ये सबसे छोटा कण होता है, ये कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। जैसे आप देख लीजिए क्लोरीन, क्लोरीन में भी 2 परमाणु है, इसका मतलब ये क्लोरीन का अणु है ना, तो ये कभी भी अकेले नहीं रहता है। तो क्या सर हम लोग परमाणु को खुले आंखों के द्वारा देख सकते हैं? भैया खुले आंखों के द्वारा नहीं, तो क्या बंद करके देख सकते हैं? बंद नहीं, खुले आंखों के द्वारा भी नहीं देख सकते और बंद करके भी नहीं देख सकते, लेकिन हम लोग इसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से परमाणु को देखा जा सकता है, देखा जा सकता है, है ना। इतना छोटा होता है कि हम लोग खुले आंखों के द्वारा यानी नग्न आंखों के द्वारा परमाणु को नहीं देख सकते। उसके बाद दोस्तों एक चीज नोट कर लीजिएगा, एक चीज यहां नोट में लिख रहे हैं कि दुनिया में जितने सारे पदार्थ हैं, दुनिया को ही ले लीजिए, मान लीजिए दुनिया कैसे बना, बहुत सारे पदार्थों के मिलने से दुनिया बना, है ना, तो वो सभी चीज किससे बना होता है? परमाणु से बना होता है। अगर लिखेंगे तो हम संसार लिख सकते हैं, संसार के
सभी वस्तुएं परमाणु से मिलकर, परमाणु से मिलकर बना होता है, बना होता है। ठीक है भाई। और एक बात बता दे रहे, परमाणु का जितना सारा भार होता है ना, रदरफोर्ड ने कह दिया था कि परमाणु का सारा भार, परमाणु परमाणु का सारा भार नाभिक में होता है। कहां? नाभिक में होता है, नाभिक में होता है। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि परमाणु होता कैसे है। हम लोग एक काम करते हैं, ये हमने ऐसे बना लिया गोल, ठीक है। अब यहां पे आप देखेंगे, यहां पे जो होता है ना खाली प्लस होता है। क्या होता है? प्लस होता है। और साथ में अगर आप इसको ऐसे देखेंगे, ऐसे 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 ऐसे, यहां पे इसको ये देखिए, बीच में जो आपको ऐसे दिख रहा है ना, ये नाभिक होता है दोस्तों। क्या होता है? नाभिक होता है। यहां कौन कौन उपस्थित होता है? यहां पे न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और यहां पे आपका प्रोटॉन भी होता है। कौन? प्रोटॉन। लेकिन सर और एक चीज, इलेक्ट्रॉन जो होता है ना दोस्तों, ये नाभिक के कक्षा में होता है, यहां पे ये कक्ष हो, इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग कक्ष बोलते हैं, कक्षा, जहां इलेक्ट्रॉन होता है, जहां इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन कहां होता है दोस्तों? आपका कक्षा में, ठीक है। उसके बाद और एक पॉइंट देख लीजिए, परमाणु जो होता है ना, तो क्या यार परमाणु किससे, किसी परमाणु से भी छोटा कण होता है क्या? तो परमाणु से भी छोटा कण होता है, और वो कण क्या क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और आपका न्यूट्रॉन, है ना। तो परमाणु तीन कणों से मिलकर बना होता है दोस्तों। परमाणु, परमाणु तीन कणों से मिलकर बना होता है, होता है। क्या क्या? नंबर एक अगर बोलूं तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, दूसरा आपका प्रोटॉन, प्रोटॉन, तीसरा जो है आपका न्यूट्रॉन। यानी परमाणु तीन मुख्य कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और परमाणु का सारा भार इसके नाभिक में होता है। और एक बात याद रखना दोस्तों, बता दे रहे जगह तो नहीं है, यहां पे ले लेंगे नाइन। अभी हम लोग नौवां नंबर में जब लेंगे तो देखिए, परमाणु का सारा जो भाग होता है खाली होता है। सारा भाग क्या होता है दोस्तों? खाली होता है। इसके जितने सारे मास होते हैं, द्रव्यमान होते कहां होते हैं? इसके नाभिक में। और नाभिक क्या होता है दोस्तों? धनावेश होता है। नाभिक क्या होता है? धनावेश होता है, धनावेश। नाभिक क्या होता है दोस्तों? धनावेश होता है। और इसके सारा भाग परमाणु, परमाणु के सारा भाग खाली होता है, खाली होता है, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले लिए, अब आइए एक एक पार्टिकल्स को हम लोग अच्छा से समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को पढ़ते हैं ना, किसको? इलेक्ट्रॉन्स को। आइए सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को आइए
अच्छा से समझ लेते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन जो होता है ना बहुत ही छोटा कण होता है। क्या होता है? बहुत ही छोटा कण होता है। बोल सर इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? तो आइए सबसे पहले हम लोग एक एटम बनाते हैं। ये मान लीजिए आपका परमाणु है, ये तो आपका नाभिक है। क्या है दोस्तों? ये आपका नाभिक है, बहुत बढ़िया बात है, नाभिक है। और ये आपका क्या है? कक्षा है, कक्षा है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है कहाँ होता है? कक्षा में होता है। और ये क्या करता है? नाभिक का परिक्रमा करता है। परिक्रमा का मतलब होता है घूमना। तो ये क्या करता है? नाभिक के चारों ओर घूमते रहता है, जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो होता है दोस्तों नाभिक का परिक्रमा करता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है भाई, इलेक्ट्रॉन का खोज सर्वप्रथम प्रथम जे 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 थॉमसन थॉमसन, इसको कभी कभार टॉमसन भी बोला जाता है, याद रखना, टॉमसन, जे जे थॉमसन ने किया था। कैसे किया था? तो डिस्चार्ज ट्यूब की सहायता से, है ना, किया था। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? तो भाई इलेक्ट्रॉन्स जो होता है ना ऑर्बिटल में होता है। कहाँ पे होता है? ऑर्बिटल में, कक्षाओं में होता है, ठीक है, ऑर्बिटल में होता है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करता है, परिक्रमा करता है। तो क्यों करता है सर? तो इलेक्ट्रॉन्स जो होता है दोस्तों किस चार्ज का होता है? माइनस चार्ज का, है ना, किस चार्ज का? माइनस चार्ज का होता है। और प्रोटॉन जो होता है प्लस चार्ज का होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या सोचता है? मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉन्स को लड़का मान लीजिए, सबसे बेस्ट तरीका होगा। इलेक्ट्रॉन को आप लड़का मान लीजिए और प्रोटॉन को आप क्या मान लीजिए? लड़की। तो याद रखना दोस्तों, कभी भी लड़की लड़का के पीछे नहीं भागती, हमेशा लड़का ही पीछे भागेगा। ए वो हमारे साथ फंस जाता तो क्या होता? अभी यार कुछ दिन बाद हम लोग एक दूसरे से शादी कर लेते, झूठो मने मने सोच रहा, ऐसा कुछ नहीं, ए कर लेते तो कितना बढ़िया होता, साथ में रहते, एक दूसरे के साथ घूमने जाते, कितना मजा आता। बस और कुछ नहीं, ये फंसाने का एगो फेरा है और कुछ नहीं है। तो क्या होता है कि जब लड़का लड़की के फेरा में पड़ जाएगा, चक्कर में पड़ गया, और प्यार मोहब्बत ना क्या क्या होता है उस सब में पड़ गया, तो लड़का को क्या करेगा लड़की? ए चलना भाई, अरे चलना शॉपिंग कराओ ना यार। तो शॉपिंग के फेरा में लड़का तो कमाएगा नहीं, और वैसे लड़का कमाएगा भी नहीं। याद रखना, जो लड़का लड़की बाजी करता है ना, वो लड़का मतलब क्या बोलते हैं उसको यार, मतलब क्या बोलेंगे उसको, बिना काम ही लड़का होता है, उसके पास कोई काम नहीं होता, इसलिए तो दिमाग में गलत 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 आइडिया आते रहता है ना। तो क्या होता है कि लड़का जो है ना, अब लड़कियां शॉपिंग के चक्कर में लड़कों से 5,000 6,000 लुटा लिया, अब 5,000 6,000 चला गया, अब बेचारा कंगाल हो गया, और कंगाल फिर जाके कर्जा लिया, कर्जा का मतलब समझते ना, ऋण, फिर कर्जा लिया, फिर दूसरे रोज लड़की को घुमाने ले गया। तो इसी तरह से बेचारा कर्ज में डूबा हुआ रहता है। अब इतना कर्ज हो चुका होता है कि अरे भाई लड़कियों तो हमरे छोड़ के नहीं भाग जाएगी, इसलिए इसके फेरा में घूमते रहता है, तुम कहाँ जाएगी, यही बात है और कुछ नहीं, है ना। इस तरह से आसानी से समझ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन के पास माइनस चार्ज होता है दोस्तों। तीसरी बात, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के पास ऋण आवेश होता है, ऋण
आवेश होता है, ऋण आवेश होता है ना। इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश अगर देखें, इलेक्ट्रॉन पर अगर आवेश की बात करें, आवेश को Q से हम लोग डिनोटेट करते हैं, आर क्यू बराबर होगा 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। अगर आप बोलोगे कि सर इलेक्ट्रॉन कितना वजनदार होता है, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, अगर आप इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान की बात करोगे तो 9.1 × 10⁻³⁻³ केजी होता है। अगर आप इसको ग्राम में लिखना चाहते हो तो 9.1 × 10⁻³, इसमें से तीन घटा दो तो 28 है ना, 28 ग्राम होता है। ये क्या, एक एक इलेक्ट्रॉन का मास है, यानी लगभग जीरो के समान। तो परमाणु देखिए, परमाणु से भी छोटा कण है, कौन है, इलेक्ट्रॉन। फिर जाके दूसरा हम लोग देखेंगे प्रोटॉन की बात, किसकी बात करेंगे दोस्तों, अब हम लोग दूसरे नंबर पर प्रोटॉन की बात करते हैं। क्या, प्रोटॉन। अगर आप प्रोटॉन के बारे में जानना चाहोगे तो आइए, हम लोग जानने में कोई कोताही नहीं करेंगे, है ना। तो प्रोटॉन जो होता है दोस्तों, सबसे पहले इसका खोज किसने किया, ये चीज को देख लेते हैं। इसका खोज लॉर्ड रदर, यहां से लिखते हैं उधर, रदर फोर्ड ने किया था, किया था। देखो इसका श्रेय गोल्डस्टीन को भी जाता है, लेकिन गोल्डस्टीन ने केवल एनोड रेज को खोज करके ही छोड़ दिया था, अर्थात कैनल कैनाल किरने को। तब जाके रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी का एक्सपेरिमेंट करके नाभिक का खोज किया और साथ साथ में प्रोटॉन का भी खोज किया, इसलिए रदरफोर्ड को प्रोटॉन का खोजकर्ता कहा गया। दूसरी बात दोस्तों, दूसरी बात इसका याद रखना कि आपका प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन धन आवेश होता है। क्या, धन आवेश होता है। क्या होता है दोस्तों, धन आवेश होता है, यानी प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, तो प्लस चार्ज होता है। प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। तीसरी बात, अगर आप प्रोटॉन का आवेश की बात करोगे, तो आवेश उतना ही होता है जितना एक इलेक्ट्रॉन के पास होता है। अगर आप प्रोटॉन का द्रव्यमान की बात करोगे कि सर प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो दोस्तों प्रोटॉन जो होता है ना, प्रोटॉन का द्रव्यमान, का द्रव्यमान, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻²⁷ केजी। अगर आप इसको ग्राम में बोलोगे तो 1.67 × 10⁻³ तीन घटा देंगे तो −24 ग्राम, ठीक है, ग्राम में इतना होता है दोस्तों। प्रोटॉन जो होता है कहां होता है, तो प्रोटॉन नाभिक में उपस्थित होता है, कहां पे, नाभिक में उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, इतना तो याद रख ही सकते हैं ना, कहां उपस्थित होता है, प्रोटॉन नाभिक में उपस्थित होता है। उसके बाद और कुछ प्रोटॉन के बारे में हम लोगों को बात करना है क्या, मेरे ख्याल से प्रोटॉन के बारे में हम लोग को इतना ही बात करना है। अब हम लोग देखते हैं न्यूट्रॉन की बात करके कि न्यूट्रॉन क्या होता है। तो दोस्तों न्यूट्रॉन जो होता है, इसका खोजकर्ता की बात करेंगे तो जेम्स चैडविक है,
इसका खोज जेम्स चैडविक ने किया था। किसने? जेम्स चैडविक ने किया था। कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात दोस्तों कि इसका द्रव्यमान जो होता है, इसका द्रव्यमान लगभग लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के समान होता है। क्या? समान होता है, ठीक ना, समान होता है। अर्थात यहां पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अर्थात इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। अगर ग्राम में देखो तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम, ये इसका मास हो जाएगा। अगर भैया अब आगे अगर बात करें कि सर न्यूट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, तो दोस्तों न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, इसमें कोई आवेश नहीं होता है, आवेश नहीं होता है, होता है। मतलब क्या हुआ, अर्थात यह उदासीन होता है। क्या? उदासीन होता है। सर न्यूट्रॉन कहाँ उपस्थित होता है परमाणु में, तो दोस्तों परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन भी उपस्थित होता है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है, ठीक है दोस्तों। अब आप लोगों को एक चीज बताने वाले हैं जो जिंदगी में नहीं भूलोगे कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का खोज किसने किसने किया था, उसको एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग कैसे याद रख सकते हैं। तो इतना मान लीजिए नहीं पढ़ने का मन है, इतना नहीं याद कर सकते हैं, तो उसको एक ट्रिक के माध्यम से अभी बता रहे हैं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ताओं का नाम को याद रखा जा सकता है। हम लोग इसको एक ट्रिक के माध्यम से समझने वाले हैं। तो इसका ट्रिक हम लिख रहे हैं दोस्तों कि ईटा पर नाचे, है ना, ईटा पर नाचे। इतना ही आप याद रखिए, आपको पूरा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ताओं के नाम याद हो जाएंगे। जैसे ईटा, ई से आपका हो गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आर से टॉमसन। तो बोलिए इलेक्ट्रॉन का खोज किसने, टॉमसन ने। इसी को हम लोग थॉमसन भी बोलते हैं, है ना। वैसे आप देखिए पॉ से प्रोटॉन का खोज किसने किया, र से रदरफोर्ड ने, अगर आप नाचे इतना देखिए, न से न्यूट्रॉन खोज किसने किया, च से चैडविक ने, है ना, चैडविक ने। अब एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं दोस्तों, मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो 1836 गुना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब इसी को हिंदी में अगर लिखोगे तो प्रोटॉन का द्रव्यमान
जो होता है वो 1836 गुना गुना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान 1836 गुना इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से अधिक होता है। मतलब आप सोचिए कि प्रोटॉन बहुत बड़ा है इलेक्ट्रॉन से और इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा है प्रोटॉन से। इसका मतलब सबसे छोटा अगर कोई कण है तो वो है आपका इलेक्ट्रॉन। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।